विचार सार परमा माद्याम जगत व्यापिने वेड़ा पुस्तक धारिणी अभयदा जाड्यांधकारापहा हस्ते स्फाड़िका मालिका विदधते परमाशने संस्थिता वंदे ताम परमेश्वरीं भगवते बुद्धि प्रदां शारदा येनाक्षर समाम्नाय मदुगाम्या महेश्वरा कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ओम शांति शांति शांति। किसका म्यूट नहीं है, म्यूट कर लो। राजू आपका नहीं है सर, बहुव्रीहि समास है। अथ बहुव्रीहि शेषो बहुव्रीहि अनेकमन्यपदार्थे सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम्। यहाँ तक हुआ है। हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम्। कितने पद है इसमें? क्या तीन ही की चार है? तीन ही की चार है? कितने पद है? तीन पद है ना। ठीक है, तो अलुक करता है। क्या करता है ये? अलुक। किसका अलुक करेगा? सप्तमी विभक्ति का। ले सप्तम्याः बोलता है, हलंत से परे अथवा अदंत से परे, ठीक है ना। तो समास में क्या करेगा ये? अलुक कर दे। जैसे कंठे काल कह दिया है ना, तो कंठे काल में कंठो है ना अदंत, उससे पर गी था, गी का लुक नहीं हुआ। लुक किससे प्राप्त था? सुपोधातु प्रादिवियोग से, उसका निषेध कर दिया। और हलंत का उदाहरण युधिष्ठिर कह दिया। अच्छा, ये सब हो गया ना। हाँ, तो किस सूत्र? हाँ, वार्तिक आएगा। किस सूत्र से समास होता है बोबरी? अनेक मन्य पदार्थे। फिर बोलिए। इससे बोबरी समास होता है। चलो तो देखो, उसके बाद वार्तिक आ रहा है। तो वार्तिक देखिए। प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः। प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः। तो ये कहते हैं कि प्रादिभ्यो बोलता है। प्रादि जानते हो? प्राधिगण। प्राधिगण है जी। तो प्राधिगणपटि जो होगा उससे परे, उससे परे ये बोलता है। तो कहते हैं कि धातुजस्य, हाँ धातुजस्य मतलब धातु से होने वाले को बोलेंगे धातुज। धातुज शब्द से क्या लेना है? तो ऐसा ले लो, जैसे यहां पर आ रहा है प्रपित पर्ण आ रहा है। देखो वृत्ति में दिया है ना जी। क्या दिया है? प्रपतित प्रपतित पर्ण। ये जो प्रतित शब्द हो गया, प्र हो गया प्राधिकरण में आया,
उसके बाद क्या आया पतित, पतित आया ना, तो ये पतित हो गया कृदंत। क्या कहेंगे ये कृदंत, हाँ धातु जो शब्द से लेना है कृदंत को, किसको लेना है कृदंत, लिख लो धातु जो से क्या अभिप्राय है यहाँ पर कृदंत है, वो कृदंत हो गया धातु जो, ठीक है। और धातु जो किससे परे हो, किससे परे हो प्रादि से परे हो, ठीक है। प्रादि गणपटित शब्द से परे जो धातु जो होगा मतलब कौन कृदंत, वो प्रकृति है, प्रकृति को लेकर तो होगा नहीं ना समास है ना, प्रकृति वाला सुबंत को लेकर होगा, ठीक है ना। इसलिए जो धातु जो हो गया प्रकृति है ना, कृदंत हो गया, ऐसा कृदंत प्रकृति वाला जो प्रथमांत सुबंत होगा, ठीक है ना, उसका अन्य प्रथमांत सुबंत के साथ कहना चाहिए बहुव्रीहि समास, सुनते हो है जी। क्या कहना चाहिए अन्य प्रथमांत सुबंत के साथ कहना चाहिए, हाँ बहुव्रीहि समास कहना चाहिए। जैसे देखो समझाता हूँ, जैसे कह दिया प्र से परे क्या हुआ पतित हो गया, पतित हो गया ना, ठीक है ना, मतलब प्रकृष्ट पतित प्रपतित, प्रपतित हुआ, ठीक है ना, प्र हो गया प्राधिगण, प्राधिगण में पतित, उससे हो गया धातु जो कौन हो गया प्रतित, पत गतु धातु होता है ना, पतली पतन है, पतन गिरना है ना, तो उससे पतित हो गया धातु जो, ऐसा जो प्रकृति वाला सुबंत हो गया कौन प्रपतित, प्रपतित सु लिखो, क्या लिखेंगे प्रपतित सु, क्या है प्रपतित सु, सुनते हो ना जी। इसका समास हो रहा है अन्य सुबंत के साथ पर्ण सु, पर्ण जानते हो पत्ता, पर्ण कुटीर बनाते हो ना जी, हैं पर्ण कुटीर में रहे आप लोग, रहे हाँ रहना पड़ता है, ठीक है ना साधु को, और क्या बढ़िया ऐसी रूम ऐसे है तो बढ़िया, उसमें तो कोई भी रह सकता है कि नहीं, दोनों में समान जो मिल गया उसी में रहो, चाहे एसी वाला रूम हो चाहे पर्ण कुटीर हो, है ना। तो प्रथमांत सुबंत आगे कौन हो गया पर्णसु, आगे हो गया पर्णसु, उसके बाद उसके साथ बहुव्रीहि समास हो रहा है प्रपतित सु पर्णसु, ठीक है हाँ ये समास हो रहा है, जस भी हो सकता है कोई आपत्ति नहीं है, बहुवचन करेंगे तो जस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जस हो जाएगा, ठीक है। प्रपतित जस आगे क्या है पर्ण जस, बहुवचन करेंगे, बहुवचन करने सबसे अच्छा है, पर्ण एक ना नहीं, नहीं ना है बहुत सारे पर्ण है, सारे पत्ते गिर गए वृक्ष से, ठीक है। इसका समास हो रहा है प्रपतित जस का पर्ण जस के साथ समास कहना चाहिए, ये भारतीकर बोल रहे, ठीक है हो गया। दूसरा कार्य है, दूसरा कार्य क्या कहते हैं देख लो, चोत्तर पद वाच्यो वा च उत्तर पद लोप, वाच्य ऐसा इधर भी अन्व कर देना है, उत्तर पद का भी लोप हो जाएगा, जो प्रादि से परे जो उत्तर पद होगा, उत्तर पद कौन है मालूम है नहीं, पतित पतित धातु जो क्या लेंगे है धातु जो हो जाएगा, उत्तर पद कहने से धातु जो, उसका विकल्प से लोप कहना चाहिए, है ना, ये अर्थ है यहाँ पर है, ठीक है। एक बार पढ़ लेता हूँ, पढ़ तो लिया अर्थ लिख लेते हैं, प्रादि से परे, प्रादि से परे, प्रादि से परे जो जो धातु जो प्रकृति वाला प्रथमांत सुबंत, प्रकृति वाला प्रथमांत सुबंत सुबंत हो,
हो उसका अन्य प्रथमांत सुबंत के साथ, अन्य प्रथमांत सुबंत के साथ बहुवरी समास कहना चाहिए, बहुवरी समास कहना चाहिए। ठीक है। और इस बहुवरी समास में, इस बहुवरी समास में, समास में प्रादि से परे, प्रादि से परे, आदि से परे उत्तर पद धातुज, धातुज उसका विकल्प से, विकल्प से लोप कहना चाहिए, लोप कहना चाहिए। किसका विकल्प से लोप होगा कह रहे हैं? उत्तर पद, उत्तर पद जो धातुज है, धातुज से क्या है अभिप्राय? कृदंत। हाँ, कृदंत है धातुज का अभिप्राय, कृदंत है। यहाँ पे लिखना चाहिए नोट पर, क्या लिखना चाहिए? धातुज का अभिप्राय कृदंत में है। ठीक है ना। हाँ, जैसे जैसे प्रपतित जस पर्णजस, प्रपतित जस पर्णजस, ये अलौकिक विग्रह हुआ ना। लौकिक विग्रह क्या मालूम है? प्रपतितानि पर्णानि यस्मात्, प्रपतितानि पर्णानि यस्मात्, यस्मात् सह, सह सह दो शब्द बन रहा है लघु में, देख लो। प्रपतित पर्ण प्रपन्न, दो शब्द बनेगा है ना। हाँ देखो, प्र हो गया प्रादि, प्र हो गया प्रादि, उससे परे धातु जो कौन है? पतित, उससे परे धातु जो पतित, सुनते हो? ठीक है। ऐसा प्रकृति वाला सुबंत कौन हो गया? प्रपतित जस, पूरे को लेना है, सुनते हो? जी। है सुबंत कौन? जस। उसका समास हो रहा है किसका? उसका समास, उसका प्रपतित जस का। अन्य सुबंत कौन? पर्ण जस, उसके साथ समास कहना चाहिए। कौन सा समास? हाँ, बहुवरी समास हो रहा है। ठीक है। तो एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य है, दूसरा कार्य क्या है मालूम है? हाँ, प्रादि के बाद जो है प्रकृति वाला जी। ठीक है ना। कौन है? धातु जो बोल दिया। हाँ, पतित, पतित का लोप कहना चाहिए। नित्य के विकल्प, विकल्प हो जाएगा। पतित का एक बार लोप होगा, एक बार लोप नहीं होगा। ठीक है, ये बोलता है। तो लोप जब नहीं होगा तो क्या बनेगा? प्रपन्न। लोप होगा तो, लोप होगा तो प्रपन्न, और लोप जब नहीं होगा तो प्रपतित पर्ण। आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, एक बार और स्पष्ट कर दो। देखो, प्रपतित जस पर्ण जस, इसके इसका समास बहुव्री प्राप्त है कि नहीं है? हाँ, प्राप्त है ये। हाँ, एक सुबंत का दूसरा सुबंत के साथ समास तो प्राप्त ही है। जब प्राप्त ही है, फिर यहाँ पर समास का विधान किया जा रहा है। इसलिए भारतिक से जो विधान हो रहा है, समास का विधान नहीं हो रहा है। वो समास तो उसी सूत्र से ही प्राप्त है। हाँ, केवल स्पष्टीकरण के लिए कहा। समास ये वार्तिक से किसका विधान हो रहा है? केवल लोप का विधान हो रहा है। किसका विधान? लोप का। यहाँ पर लिख कर रखो, वार्तिक से नहीं, ऐसा लिखो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर समास का विधान अनेक मन्य पदार्थ से ही है। अनेक
अनेक मन्य पदार्थ से है ही है? क्या लिखा आपने? अनेक मन्य पदार्थ से है ही, पूरा क्या लिखा? यहाँ पर समास का विधान अनेक मन्य पदार्थ से है ही है ही है, समास का नहीं बहुव्रीहि समास। इसीलिए इसीलिए वार्तिक से इस वार्तिक से इस वार्तिक से इस वार्तिक से केवल केवल विकल्प से उत्तर पद का ही लोप करना है। उत्तर पद का ही लोप, हाँ उत्तर पद के लोप, उत्तर पद का ही लोप करना विकल्प से, ठीक है ना जी। वार्तिक से किसका विधान हो रहा है? केवल लोप का ही, समास तो उसी सूत्र से हो जाएगा, ये वार्तिक का ही प्राय है, समझ बात को? हाँ वार्तिक से समास का विधान हो रहा है क्या? नहीं, कहने पर भी नहीं हो रहा है, केवल स्पष्टीकरण के लिए बोल दिया, वो तो प्राप्त ही है समास, ठीक है। इस वार्तिक से क्या हो रहा है? केवल लोप का विधान है। लोप किसका हो रहा है? उत्तर पद का, सुनते हो? उत्तर पद कौन है? घबराते क्यों? उत्तर पद कौन है? कृदंत धातु है, किससे परे? प्रादेशिक परे, बस इतना हो रहा है, ठीक है। इसलिए पतिते का लोप कर देंगे बड़ा प्रपन्न हो जाएगा, और लोप जब नहीं करेंगे तो प्रपतित पन्न हो जाएगा, आ गया? हाँ ठीक। इसी प्रकार से देखो, निर्गत अर्थ यस्मात सह क्या बनेगा? निरर्थक बन जाएगा है? ये तुम्हारा जो प्रयास है ना, ये सब क्या है? निरर्थक बोल दिया। क्या कह दिया? निरर्थक, मतलब क्या होगा? देखो निर्गत अर्थ यस्मात, निर्गत अर्थ यस्मा सह निरर्थक बनता ही नहीं शब्द, भव्य समास हो गया, ठीक है। विग्रह बताइए, अलौकिक अलौकिक बोलो, अलौकिक अर्थसु, क्या समास हो रहा है? बहुव्रीहि, किस सूत्र से? अनेक मन्य पदार्थ, अरे वार्तिक क्या करेगा? विकल्प से लोप करेगा है, प्रादि हो गया निर है, उससे परे धातु जो प्रकृति कौन है? गत, गत है ना, गत, गत का लोप कर देगा, किसका लोप कर देगा? ये उत्तर पद हो गया गत, निर से उत्तर पद कौन हो गया? गत, गत का लोप करेगा विकल्प से, ये वार्तिक लोप कर देंगे तो क्या होगा? निरर्थ को आगे प्रत्यय हो जाता है, शेषाद विभाषा आगे आएगा, क्या आएगा? हाँ यहाँ पर इस लघु में ना, हाँ देखो पन्ना पलट दो, बहुव्रीहि समास के अंत में देखो शेषाद विभाषा मिला, इसी से क प्रत्यय हो जाता है, हैं? हाँ प्रसिद्ध है निरर्थक, ज्यादातर प्रसिद्ध शब्द क्या है? निरर्थ इतना नहीं होता है, शब्द तो बन जाएगा, निरर्थ भी बनेगा निरर्थक भी बनेगा, निरर्थ भी सही है, हाँ वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन अधिकतर प्रसिद्धि के शब्द से किए निरर्थक शब्द की प्रसिद्धि है है तो निरर्थ भी होता है, ठीक है नारायण, ठीक है ना, ऐसा होता है। कहाँ पर? यहाँ वाले कहाँ भाई? हो जाएगा निर्गतार्थक बन जाएगा, गत गत रहेगा ना, गत भी रहेगा, गत लोभ लोभ नहीं होगा तो गत तो रहा, निर्गतार्थ हो जाएगा, अथवा निर्गतार्थक भी हो जाएगा, निर्गतार्थ भी हो जाएगा, को होगा भी नहीं भी होगा, चलो ठीक है नारायण। हाँ इसी प्रकार से आपको समझा देता हूँ, तब तो समझ में आएगा है। देखो ये देश कैसा, ये गांव कैसा, निर्जना गांव है, क्या है, कैसा ये? निर्जन, हाँ है ना, निर्जन गांव है, गांव में कोई नहीं है तो क्या बनेगा? निर्जना बनता है ना शब्द, हाँ क्या होगा विग्रह लौकिक बताओ? निर्गता जना यस्मात,
निर्गताः जनाः यस्मात् सः बोलो निर्जनः बनेगा बनेगा कि नहीं फिर बोलो लौकी बोलो निर्गताः बोलो तुम अकेले बोलो निर्गताः गता बोले गता बोल रहे हो फिर बोलो जोर से बोलो सह निर्जना है ना भाई बोलना चाहिए दूसरे को सुनाई दे नहीं तो ओ को ओ बोलते कि आ बोलते समझ में नहीं आता है ना तो आ कह दे ओ बोलोगे तो हम क्या समझेंगे एक वचन समझेंगे बहुवचन समझेंगे है ना आ बोलेंगे तो बहुवचन होगा निर्गता नहीं आ को अ बोलोगे निर्गत तो क्या समझेंगे हम एक वचन बोल रहे हो बहुवचन होगा तो क्या होगा निर्गता जना यस्मात् सः निर्जनः सुनते हो ना मतलब क्या अर्थ निकला है जिस गांव से आदमी निकल गए लोग निकल गए बस खाली पड़ा और क्या सुनते हो ना तो अलौकिक क्या होगा निर्गत बहुवचन तो सु कैसे होगा निर्गत जस जन जस जस का लोक हो गया वो तो हो गया और गत का भी लोक हो जाएगा विकल्प से गत का लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा निर्गत जन निर्गत जन और गत का लोप हो जाएगा तो निर्जन हाँ निर्जन प्रदेश निर्जन अरण्य निर्जन गांव ग्राम हो जाएगा क्यों ऐसा होता है ठीक है इसी वजह का कोई मान लीजिए स्त्री है उसके पति चले गए क्या बोलते हैं उसको विधवा बोलते हैं हाँ धवा मतलब कौन पति धवा कहते हैं पति है तो क्या होगा बताओ जिसके धवा चले गए मतलब विगत विगत धवा यस्या सा क्या बनेगा विधवा बनेगा बनेगा कैसा बनेगा बोलो बोलो विगत 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 आगे धवा यस्या सा विधवा सा विधवा ठीक है हाँ तो बोलो अलौकी क्या होगा विगत सु धवा सु ऐसा बनेगा विगत सु धवा सु सुनते हैं किसका लोप हो जाएगा गत का धवा का बोल रहे किसका लोप होगा गत का लोप हो जाएगा लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा विधवा आगे स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग में टाप हो जाएगा तो क्या बनेगा विधवा बनता है सुनते हो ये विधवा शब्द इसी से बनता है ठीक है हाँ और गत का लोभ नहीं करेंगे तो विगत धवा भी हो जाएगा विगत धवा लेकिन ज्यादातर प्रसिद्ध शब्द क्या है विधवा शब्द प्रसिद्ध है तो गत बनने से भी कोई दोष नहीं है ऐसा नहीं समझना जहाँ पर गत लिखा है तो गलत है गलत नहीं है विधवा भी प्रसिद्ध है ये विगत भी शब्द बनेगा लेकिन प्रसिद्ध तो विधवा होता है चलो ठीक है यहाँ तक हुआ भाई हाँ उसके बाद आगे चलते नयोस्तर्थानां वाच्यो वाच्योत्तर पद लोप फिर बोलो वाच्यो वाच्योत्तर पद लोप ये वार्तिक याद करना जरूरी दो वार्तिक को आठ नंबर टिप्पणी में दिया है देखो गीता प्रेस की नयः परम यत बोलो नयः परम यत मिला आपको नहीं अस्त्यर्थ वाची पदम तदंतस्य पदांतरेण बहुव्री अस्त्यर्थ वाचिनाम तु ये अर्थ दे दिया गीता प्रेस में है देखो नयः परम नय से परे नय से
परे। यद अस्त्यर्थ वाचे, जो अस्ति अर्थ को बोध कराने वाला पद हो। अस्ति मतलब सत्ता विद्यमान है ना, अस्ति सत्ता, उस अर्थ को बोध करने वाला पद हो, ठीक है ना। हाँ, उसका तदंतस्य, उसका पदांतरण मतलब दूसरा सुबंत के साथ, पदांतर दूसरा सुबंत, बहुव्री ही बहुव्री समास होता है, ठीक है ना। हाँ, ये तो समास तो पहले से ही है नारायण, ये समास तो पहले से है। किस से? अनेक मन्य पदार्थ से, ठीक है जी। फिर भारतीय क्या करता है, भारतीय तो इतना करता है, अस्त्यर्थ वाची नाम तु बालोप, अस्ति अर्थ को बोध करने वाला जो शब्द है उसका तो विकल्प से लोप कहना चाहिए, ये बोलता है ना। गौरव ना, जैसे आ रहा है देखो, उदाहरण बताते हैं। जैसे कह दिया अविद्यमान पुत्र, बोलो अपुत्र, देखो ये दो शब्द होगा है, अविद्यमान पुत्र भी हो जाएगा, अपुत्र भी हो जाएगा, सुनते हो ना। हाँ, दोनों बन जाएगा है ना। हाँ, क्या कहते हैं देख लो, अविद्यमान पुत्र, नए का नए में नकार का लोप हो गया, न विद्यमान इति अविद्यमान हो जाएगी नहीं। हाँ, न लोपो नए से, हाँ नकार का लोप हो गया था, और अविद्यमान हुआ कि नहीं हुआ, हो गया है। तो यहाँ पर विद्यमान शब्द आया, क्या शब्द आया, विद्यमान। हाँ, विद्यमान में धातु क्या है, विद सत्तायाम है, ठीक है, सत्ता अर्थ में हुआ ना विद धातु, हाँ विद सत्ता में होता है, ठीक है। तो नए का न, ये ओ जो है नए का ही है, नए से परे है अस्ति अर्थ वाला बोधक शब्द कौन होगा, विद्यमान हुआ, हुआ विद्यमान हुआ, हाँ अस्थि अर्थ वाला शब्द कौन होगा, विद्यमान हो गया, विद्यमान। अच्छा, वह जिसके अंत में हो ऐसा शब्द कौन, अविद्यमान, विद्यमान जिसके अर्थ में हो, ये जिसके अंत में हो ऐसा शब्द कौन होगा, अविद्यमान, हुआ कि नहीं हुआ। तो अविद्यमान सु, ये जो सुबंत है क्या है, अविद्यमान सु, अब लिखो, हाँ ये सुबंत हो गया, सु प्रत्यय है ना, अविद्यमान सु। आगे क्या, दूसरा सुबंत हो गया पुत्र सु, दूसरा सुबंत हो गया पुत्र सु, तो अविद्यमान सु का समास हो रहा है किस सुबंत के साथ, पुत्र सु के साथ। कौन सा समास, किस सूत्र से, हाँ भारतीय तो इसका स्पष्टीकरण है, ये तो समाज तो पहले से है, किस सूत्र से, हाँ अनेक मन्य पदार्थ, सुनते हो। अच्छा, फिर भारतीय फिर अधिक क्या करता है, भारतीय इतना करता है, उत्तर पद लोप, किससे उत्तर पद, मालूम है नए से परे, नए से उत्तर पद कौन है, विद्यमान, उसका लोप कर रहा है विकल्प से, पहले भारतीय की तरह है ये, ठीक है भाई। तो विद्यमान का लोप करेगा, नित्य करेगा, विकल्प करेगा, विकल्प करेगा, तो लोप कर देंगे तो क्या रहेगा, अपुत्र, सु आ गया अपुत्र, लोप नहीं करेंगे तो अविद्यमान पुत्र, कौन सही है, हाँ ठीक है, अपुत्र। अपुत्र में देखो नए तत्पुरुष समास नहीं है, हाँ नए तत्पुरुष करेंगे तो क्या होगा, न पुत्र इति अपुत्र, मतलब पुत्र का अभाव, ये अर्थ निकलेगा। और यहाँ पर पुत्र का अभाव नहीं, जिसका पुत्र नहीं है वो पिता को कहा जाएगा, पिता तो मतलब व्यक्ति, जिसका पुत्र नहीं, पुत्र तो हाँ वो व्यक्ति को कहा जाएगा, समझा, ठीक है। कोई व्यक्ति है, विवाह तो है लेकिन पुत्र नहीं है, वो तो नहीं है अथवा था तो मर गया, जो भी हो क्या कहेंगे इसको, अपुत्र कहा जाएगा, हो गया कि नहीं, व्यक्ति के लिए कहा जाएगा अपुत्र, हो गया कि नहीं, हो गया।
ठीक है, बड़ा प्रसिद्ध ही भारत है, याद करना जरूर है कि नहीं ना। जिसका कोई नाथा नहीं है, जिसका कोई नाथा नहीं है क्या बोलेंगे, अनाथ, अनाथ हो गया बोलते कि नहीं, अनाथ हो गया। अनाथ का क्या होगा विग्रह बताओ, अविद्यमान नाथ यस्य सह अनाथ बन जाएगा। और दूसरा शब्द अविद्यमान नाथ, दो शब्द हो जाएगा आ गया। इसी प्रकार है, इसी प्रकार अरोग हो जाएगा, अरोग अरोग अविद्यमान रोग यस्य भी होगा, यस्मिन भी होगा, जिसमें यस्य भी होगा और यस्मिन भी होगा, जिसमें रोग ना हो अथवा जिसका रोग ना हो, यस्मिन भी हो जाएगा। अविद्यमान रोग यस्मिन सह अरोग हो गया, ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा। निरोग कैसे होगा कौन बताएंगे, निरोग हाँ यस्मिन अथवा यस्मात करो, निर्गत रोग यस्मात क्या बनेगा, निरोग क्या बनेगा, निरोग। सुन रहे ऑनलाइन वाले देखो, अनु के विग्रह बताओ, निरोग निर्गत रोग किसका लोप हो गया, किस किससे हुआ, इससे मतलब कौन है उसे कहा, मैं कहा ये हाँ ये नए के लिए बोलता है केवल है कि नहीं, वो प्रादि माया का निर है, निरोग ये व्यक्ति निरोग है, ये व्यक्ति निरोग है बोलते है कि नहीं, ये व्यक्ति इसमें कोई रोग नहीं है, निरोग है ये व्यक्ति, ये पुरुष निरोग है, सुनते हो, तो निर्गत रोग यस्मा सह निरोग, तो किसका लोप हो गया, किस वार्तिक से बोलो, हाँ नए स्तर था नाम से होगा नहीं होगा, जो और होगा कहेंगे तो हो जाएगा, किससे नए स्तर था नाम बाच्यो बाच्योत्तर पद लोप हो, अंतर है हाँ चलो। आगे चलिए भैया, इसका अर्थ सरल हो गया, लिख लो फटाफट, नया से परे, नया से परे, नया से परे परे अस्ति अर्थ वाला, अस्ति अर्थ वाचक ऐसा लिख लो, नए से परे जो अस्ति अर्थ वाचक, अस्ति अर्थ वाचक शब्द हो, शब्द हो ऐसा वाचक शब्द जिसके अंत में हो, जिसके अंत में हो ऐसा सुबंत का, का अन्य प्रथमांत सुबंत के साथ, अन्य प्रथमांत सुबंत के साथ बहुव्रीहि समास हो, बहुव्रीहि समास और समास हो अथवा कहना चाहिए, हो अथवा कहना चाहिए तो कोई बात नहीं है ना, और विकल्प से, विकल्प से नए से परे, नए से परे विद्यमान वाचक शब्द का लोप हो, लोप हो है, हो गया, जैसे किसका लोप हुआ, विद्यमान का, विद्यमान विद्यमान वाचक कहने से विद्यमान का भी कौन होगा, अस्थि का भी कौन हो जाएगा,
हाँ, जैसे मान लीजिए अपुत्र कहा ना, तो दो कैसे ही विग्रह कर लो, हैं, अविद्यमान पुत्र कह दिया, दूसरा अर्थ करेंगे तो नास्ति नास्ति पुत्र यस्य, ऐसा भी होगा, अस्ति कह देना नास्ति नास्ति, सुनते हो, हाँ ऐसा भी हो जाएगा, नास्ति भी कह सकते हो, अविद्यमान भी कह सकते हो, हो गया हो गया, न भवती भी कह सकते हो, क्या आपत्ति है, हाँ न भवती पुत्र यस्य, नास्ति पुत्र यस्य, अविद्यमान पुत्र यस्य, ऐसा भी कर सकते हो, है ना, ऐसा जो मैं चलो हो गया ना जी। उसके बाद देखो अगला सूत्र भैया, अगला सूत्र, स्त्रिया पुनबद भाषित पुष्कादन, बोलो समानाधिकरणे स्त्रिया मपूरणी प्रिया दिशो, देखो पूरा एक साथ बोलूंगा, स्त्रियः पुनवत् भासित पुष्कादनं समानाधिकरणे स्त्रियाम पूरणि प्रियादिषु, देखो इस सूत्र में कितने पद पहले समझेंगे, पहला कह दिया स्त्रियः, हैं षष्ठी का एक वचन क्या है, षष्ठी का एक वचन, स्त्री का स्त्रियाहा बनता है दीर्घ कारण, तो स्त्री उसका षष्ठी वचन एक क्या बनेगा, स्त्रियाहा, है ना, हाँ षष्ठी एक वचन हो गया। फिर कहते हैं पुनवत, क्या कह दिया, पुनवत, है ना, हाँ पुनवत कह दिया, अव्यपद है पुनवत, पुनवत भाव कह रहा है ना, पुनवत, ठीक है, दो पद हो गया। आगे देखो उसके बाद कह रहे हैं भाषित पुष्का दोनों, क्या कहते हैं, भाषित पुष्का दोनों, है भाषित पुष्का दोनों, हाँ इसको विभक्ति कहना चाहिए, है ना, भाषित पुष्का दोनों, ऐसा समझ लो पंचमी का, हाँ एक वचन कह लो लुक, हैं हाँ पंचमेंत लुक ले लो, नहीं षष्ठी ले लो, षष्ठी सही, षष्ठी षष्ठी लुक ले लीजिए, लुक तो षष्ठी करो, एक ही पद है, हैं हाँ भाषित पुष्का दोनों, भाषित पुष्का दोनों, इसको कहेंगे षष्ठ्यंत लुक, क्या कहेंगे, हाँ षष्ठी विभक्ति हुई थी उसका लोक हो गया, ठीक है, एक ही पद है, कितना पद हुए, एक ही पद, नहीं अभी तक कितने पद, तीन पद हुए हैं, उसके बाद समानाधिकरण सप्तमी का एक वचन हो गया ना भाई, उसके बाद कहते हैं स्त्रियां, ये भी सप्तमी का एक वचन होगा, हो गया यहाँ तक। उसके बाद अपूरणी प्रियादिशु, क्या कहते हैं, सप्तमी का बहुवचन, कितने पद है, छह पद है, देखो छह पद हो गए, ठीक है ना, हाँ ये समझेंगे, चिंता ना करो, सूत्र जो है ना पुनवत भाव करेगा, सूत्र क्या करेगा, पुनवत भाव करेगा, हैं हाँ जो पुलिंग वाला नहीं है उसको पुलिंग वाला करेगा, हैं जो पुलिंग वाला नहीं ना उसको क्या कह रहे हैं, पुलिंग वाला, और क्या, अरे किसी मान लीजिए बच्ची को क्या है, लड़के का पोशाक नहीं पहना देते है, आजकल होता है कि नहीं होता है, और क्या, हाँ लड़के का पोशाक पहना दिया, और क्या, टोपी लगा दिया, क्या क्या लगा दिया, और क्या, ठीक है, बाल कटिंग भी कर दिया उसी प्रकार से, है ना, क्यों भाई तो ये पुनवत, इधर स्त्रीलिंग वाला शब्द को पुलिंग वाला शब्द करेगा, इसका नाम होता है पुनवत भाव, है कि नहीं, तो किसको करेगा, स्त्रिया स्त्रीलिंग विशिष्ट जो शब्द है ना उसको क्या करेगा, पुनवत भाव करेगा। पहले उदाहरण समझाता हूँ, तब नहीं तो बोलेंगे क्या चल रहा है, लोग बोलेंगे ना अगला
वृत्ति में देखो है, वृत्ति में दिया है गो स्त्रियो इति हरसा, उसके बाद देखो चित्र गुहु शब्द क्या है बोलो, एक नंबर टिप्पणी में दे दिया है चित्रा गौर यस्य, बोलो चित्रा गौर यस्य, ये विग्रह हो गया है जी। कोई व्यक्ति है उसके पास गौ है, कौन सी गौ मालूम है, चित्रा चितकावरी गौ, चितकावरी कैसी गौ है, चितकावरी गौ है, ये बहुवरी समास हो गया ठीक है। हाँ क्या होगा अलौकिक विग्रह मालूम है, चित्रा सु गो सु है ना, क्या शब्द है बोलो, चित्रा सु, चित्रा आकारांत सु है, आगे क्या है गो, गो सु हो गया ना, गो शब्द है यहाँ पर स्त्रीलिंग है, चित्रा भी स्त्रीलिंग है, विशेष्य हो गया गो, विशेषण हो गया चित्रा, चितकावरी गया है कि नहीं, मतलब जिस व्यक्ति के पास चितकावरी गया हो चित्रा ठीक है। हाँ इसलिए चित्रा सु गो सु यहाँ पर बहुवरी समास हो रहा है, सुनते हो ना है। अब यहाँ पर कह रहे हैं ये चित्रा शब्द है ना, चित्रा चित्रा उसको यहाँ पर पूर्णवद भाव किया जा रहा है, किसको, चित्रा शब्द को क्या कह रहे हैं पूर्णवद भाव, ये कहा जाए चित्रा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है कि नहीं, ये बोलते देखो स्त्रिया हा स्त्रीलिंग विशिष्ट कौन हो गया चित्रा, सुनते हो जी। क्या बोलते हैं इसको पूर्णवद, पूर्णवद भाव होगा मतलब पुलिंग में चित्र चलेगा कि चित्रा चलेगा, हाँ इसलिए यहाँ पर भी चित्र हो जाएगा, ये बोलते हैं यहाँ पर हो गया ना, लेकिन कब अब समझना है कब, कहते हैं भाषित पुंसका दोनों, भाषित पुंसका दोनों क्या है देखो वृत्ति में दे दिया, वृत्ति पढ़ लेते सीधा सीधा, उक्त भा उक्त पुंस्कात बोलो, उक्त पुंस्कात अनु अनु उंग अभावो अस्याम, उंग अभावो अस्याम इति बहुव्रीहि, इति बहुव्रीहि, देखिए लंबा चौड़ा हो गया बहुव्री, कहाँ तक बहुव्री मालूम है, भाषित पुंस्का दोनों इतना हो गया बहुव्री समास, कितना बहुव्री समास है बोलो, हाँ ठीक है ना, घबराओ ना, उक्त कहने से क्या लेना है भाषित, टिप्पणी में जो उक्त है उक्त का अर्थ क्या है भाषित, इसको पूरा जोड़ देना चाहिए है ना, उक्त उक्त पुंस्का अनु ठीक है ना। हाँ मतलब क्या है भाषित पुंस को जानते हो आप लोग, नहीं जानते हैं, हाँ नहीं जानते हैं, तो आगे दिया है ना तुल्य प्रवृत्ति निमित्त यद उक्तम, देखो ऐसा होता है ना शब्द की प्रवृत्ति निमित्तक कोई होता है, शब्द की प्रवृत्ति निमित्त, इधर सुनो जैसे घट बोल दिया, घट कहने से किसको समझते हो आप, जहाँ पर जल भरते हो है? तो शब्द की प्रवृत्ति कहाँ हुई, घट शब्द की प्रवृत्ति पॉट में होगी, घट शब्द को सुन करके पॉट को समझते हैं घट को समझते हो, क्यों क्यों पॉट शब्द में घट शब्द की प्रवृत्ति क्यों नहीं है, क्योंकि जिसमें जिस शब्द की प्रवृत्ति निमित्त जिसमें होगा है ना उस अर्थ में शब्द की प्रवृत्ति होगी, ये नियम होता है, सुनते कि नहीं है ना, जिस शब्द की प्रवृत्ति निमित्त धर्म जिस अर्थ में होगा उसी अर्थ में शब्द की प्रवृत्ति होगी, सुनते हो कि नहीं, क्या जिस शब्द में जिस शब्द का प्रवृत्ति निमित्त धर्म जिसमें हो उसी अर्थ में उस शब्द की प्रवृत्ति होगी, ये नियम है कि नहीं। जैसे मान लो घटत्व है, क्या है घटत्व धर्म है, सुनते हो, घटत धर्म जिस अर्थ में होगा उसी अर्थ में घट शब्द की प्रवृत्ति होगी, जैसे घटत्व कहाँ पर है, घट में है कि पट में है, घट में है, पट में नहीं, नहीं है, पट में क्या नहीं है, घट नहीं है, पट में क्या नहीं है, घटत्व नहीं है, घटत्व हो गया शब्द प्रवृत्ति निमित्त धर्म, इसलिए है ना, और पट में घटत्व है कि पटत्व है, है कि नहीं, घटत्व धर्म है पट में, इसलिए पट अर्थ में घट शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी,
घट अर्थ में है घटत्व, घट अर्थ में घटत्व है, है? इसलिए घट अर्थ में घट शब्द की प्रवृत्ति होगी, इसको कहते हैं शब्द प्रवृत्ति निमित्त। क्या कहते हैं? शब्द प्रवृत्ति निमित्त। आ गया कि नहीं आ गया? सुनते हो भाई? हाँ, कहीं इसलिए गुण क्रिया जाति संबंध ये होता है, शब्द प्रवृत्ति निमित्त धर्म बोलते हैं इसको। सुनते हो? क्या कहते हैं? शब्द प्रवृत्ति निमित्त धर्म, गुण क्रिया जाति संबंध, गुण क्रिया जाति संबंध। सुनते हैं ना? और नैया के तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, नैया के लोग, नैया के लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। ओ, शब्द प्रवृत्ति निमित्त क्या धर्म है बोलते हैं? स्ववाच्यत्व सती है, और क्या है स्ववाच्य, स्ववाच्य संबंध है ना, है ना, ऐसा बोलते हैं, है? स्ववाच्य वृत्तित्व सती है, तो फिर ये स्ववाच्य प्रकारता, हाँ प्रकारता ऐसा बोलते हैं कुछ, हैं ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत लंबा चौड़ा बोलते हैं वो लोग, है ना, उसको कहते हैं शब्द प्रवृत्ति निमित्त धर्म बोलते हैं, शब्द प्रवृत्ति निमित्त, ठीक है ना। तो वहां तक जाना नहीं हमको, ठीक है। तो तुल्य प्रवृत्ति निमित्त यदुक्तम, वृत्ति में दिया, देखो है इधर देखिए, चित्र शब्द आ गया, चित्र शब्द क्या हो गया? हाँ गुण हो गया, गुण, हाँ चित्र शब्द क्या है? गुण है। चित्रत्व क्या है? चित्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त धर्म क्या होगा? चित्रत्व मतलब गुण, चित्र गुण, रूप रूप क्या लेंगे? रूप, ठीक है। जो चित्र जो रूप है गुण है, वो पुलिंग में होगा कि स्त्रीलिंग में होगा? दोनों में होगा। क्या दिखता है? अरे कोली माजे बैल है, बैल बैल है, तो बैल है, उसमें चित्र रूप रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, आ स्त्रीलिंग वाली गौ दूध देने वाली है, उसमें भी चित्र रूप रहता है, रहता नहीं रहता है? इसलिए चित्र जो है शब्द, उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा? चित्रत्व गुण रूप, और रूप जो है वो पुलिंग में भी है और स्त्रीलिंग में भी है, हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए प्रवृत्ति निमित्त का धर्म समान हो गया कि नहीं हो गया? है ना, इसलिए जो प्रवृत्ति निमित्त का हाँ धर्म गुण है कि नहीं, पुलिंग में हो, ऐसा शब्द प्रवृत्ति निमित्त का स्त्रीलिंग में भी यदि हो जाए, हाँ उसको कहते हैं भाषित पुंस्क। क्या कहते हैं? भाषित पुंस्क। आगे समझ में? ये बात कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उक्त पुंस्कार मतलब भाषित पुंस्क, सुनते हो? हो गया, मतलब पुलिंग में जो शब्द प्रवृत्ति निमित्त का था, क्या धर्म था? चित्रत्व था, और अभी स्त्रीलिंग में भी हुआ, समान हुआ कि नहीं हुआ? आ गया, उससे परे उक्त पुंस्कार अनंग, सूत्र में क्या आया? अनंग, अनंग मतलब उंग अभाव, उंग प्रत्यय न हो, क्या प्रत्यय न हो? उंग उंग उंगे प्रत्यय होता है, न घबराओ, घबराना नहीं चाहिए, उंग प्रत्यय का अभाव हुआ हो, उंग प्रत्यय का हाँ जिसमें अश्याम, ये अर्थ हो गया बहुवरी, ये बहुवरी समास हो गया, ठीक है। हाँ भाषित पुंस्का दोनों हो गए ना भाई। हाँ आगे देखो, भाषित पुंस्का कह दिया ना, भाषित पुंस्क आगे गसी, लिखो लिखो बताता हूँ, भाषित पुंस्क गसी है, आगे क्या है? अनुंग, अनुंग अनुंग अनुंग, आगे सु करो, अनुंग सु, ठीक है। तो अनुंग सु के साथ समास हो रहा है, किसका किसके साथ? अनुंग सु का भाषित पुंस्क गसी, आगे अनुंग सु, क्या समास हो रहा है? बहुवरी समास, किस समास हो रहा है? बहुवरी समास, सुनते हो? तो गसी का लुक होना चाहिए, क्या किस सूत्र से? हाँ लुक नहीं हुआ है, देखो निपातनात् पंचम्याः अलोक, क्या कह रहे हैं? निपातनात् पंचम्याः अलोक,
नहीं समझ में आया क्या कह रहे हैं? क्या होना चाहिए? लुक होना चाहिए। ये लुक नहीं होना, ये निपातन से हुआ, रेडीमेड से हुआ। समझ में ना? घसी का लुक विधान करने वाला कोई सूत्र नहीं है, रेडीमेड से हो गया। इसको कहते हैं निपातना, निपातन से मतलब बिना सूत्र से। बिना सूत्र से किसका अलुक हुआ है? पंचमी। कहाँ पर पंचमी आया? घसी। उसका लुक नहीं हुआ, इसलिए आपको विभक्ति दिखाई दे रही है। सोते हो ना? हाँ। तो प्रातिपदिक क्या हो गया? भाषित पुंस्कात अनु। सुनते हो? ये हो गया प्रातिपदिक। सुनते हो समास का है कि नहीं? उससे पहले षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। सुनते हो ना? क्या होनी चाहिए? प्रातिपदिक हो गया भाषित पुंस्कात अनु, उसके बाद षष्ठी विभक्ति लाओ। षष्ठी विभक्ति में क्या है? गंस। आ गंस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है सूत्र में, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? उसका क्या होगा? लोक। उसका क्या हो गया? लोक हो गया। लोप, लोक हो गया है ना? ये भी क्या हो गया? छांदस प्रयोग हो गया। सुनते हो? इले लुक हो गया लुक, ठीक है। इले विभक्ति नहीं दिखाई दे रहा सूत्र में, इले इसमें निशान लगाओ। भाषित पुष्का दोनों, इसको निशान लगाओ। अलग पद है ये, सुनते हो जी? ये अलग, और समानाधिकरण अलग अलग हो गया। आगे चलो, इसलिए क्या अर्थ निकलेगा? तुल्ये प्रवृत्ति निमित्ते यद उक्तम पुंस्कम तस्मात् परः उंगो अभावो यत्र। ये देखो सूत्र का अर्थ बता रहे, तथाभूतस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य, जो स्त्रीवाचक शब्द होगा पुंवाचक एव रूपम स्यात्। समानाधिकरण स्त्रीलिंगे, समानाधिकरण स्त्रीलिंग विशिष्ट शब्द परिरहते उत्तर पदे न तो पुरण्याम प्रियातौ च परत। पहले पढ़ लेता हूँ फिर समझाएंगे, एक बार पढ़ लेता हूँ। उच्चारण करा है, तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते, बोलो, यत उक्तम पुंस्कम तस्मात् परः पुंगः अभावो यत्र तथा भूतस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवाचकस्य इव। पुंवाचकस्य इव रूपं स्यात्। बोलो, पुंवाचकस्य इव रूपं स्यात्। समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तरपदे न तु पुरण्यां प्रियादौ च परतः। जैसे देखो चित्रगुह, बोलो चित्रगुह, विग्रह लिखो, अब समझाएंगे फिर लिखवा देंगे। चित्रगुह ये समास है, चित्रगुह समास है। क्या समास है? बोबरी समास। अलौकिक विग्रह लिखो, चित्रासु गोसु चित्रासु गोसु। अलौकिक विग्रह क्या हुआ? चित्रासु गोसु, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग शब्द कौन? चित्रा। चित्रा हो गया स्त्रीलिंग शब्द, हो गया। उत्तर पद कौन है? गो, गोसु, गोसु, ठीक है। ये भी स्त्रीलिंग है क्या? है। और समानाधिकरण है, ये क्या है? समानाधिकरण, ठीक है। अब लिखो क्या इसको कहेंगे? भाषित पुंस्क। चित्रा शब्द हो गया भाषित पुंस्क, लिखो भाषित। चित्रा शब्द हो गया भाषित पुष्क, सुनते हो जी? ठीक है। और इसका शब्द प्रवृत्ति निमित्त धर्म है चित्रत्व। चित्रत्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त धर्म होगा चित्रत्व, मतलब चित्र रूप, चित्र रूप, ठीक है। चित्र रूप शब्द प्रवृत्ति निमित्त पुलिंग में भी था। कहां पर था? पुलिंग में भी था। वही चित्रत्व धर्म
स्त्रीलिंग में भी है कि नहीं है, है? ऐसा शब्द को बोलेंगे भाषित पुष्क, क्या कहेंगे? ऐसे शब्द को भाषित पुष्क कहेंगे, कहेंगे ना। हाँ। कौन शब्द हो गया? चित्रा, चित्रा हो गया, चित्रा। चित्रा को क्या बोलेंगे? भाषित पुष्क कहेंगे, ठीक है। ऐसा चित्रत्व नपुंसक में भी होगा क्या? होगा, नपुंसक में भी तो हो सकता है ना, लेकिन नपुंसक वाला शब्द को नहीं लेना है, स्त्रीलिंग विशिष्ट को लेना। अभी कौन शब्द हो गया? अभी चित्रा, ये चितकावरी गया बोलते है ना, हो गया। चित्रा से परे, चित्रा से परे कोई उंग प्रत्यय हुआ है क्या? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। उंग, उंग एक प्रत्यय होता है उंग, जैसे आगे शब्द आएगा देखो ना, बामरु भार्य है, हाँ, तो वहां पर जो है बामरु है ना, वहां पर उंग शब्द होता है, उंग प्रत्यय होता है। ऐसा उंग प्रत्यय ना हुआ हो, है? ऐसा उंग प्रत्यय हुआ है क्या? नहीं है, नहीं है, केवल चित्रा शब्द है, लग गया। अब लगाते जाओ, देखो बताता हूँ। तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते यद उक्तम पुंस्कम, है? हाँ, पुलिंग में जो प्रवृत्ति निमित्त था, कौन सा प्रवृत्ति निमित्त था? चित्रत्व। ऐसा चित्रत्व धर्म से, है? अब स्त्रीलिंग विशिष्ट वाला धर्म, स्त्रीलिंग विशिष्ट वाला शब्द कौन हो गया? चित्रा, चित्रा। हो गया चित्रा, चित्रा से परे है। तो चित्रा से परे क्या होना चाहिए? उंग अभाव। वृत्ति में देखो, उंग प्रत्यय नहीं हुआ है, उंग प्रत्यय नहीं हुआ है। यत्र, जहां पर, तथा भूषस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य, ऐसा स्त्रीवाचक शब्द कौन हो गया? चित्रा, चित्रा। हो गया चित्रा, हाँ। वो क्या होगा? पुनवाचकस्य रूपम से, पुलिंग में जैसा रूप होगा स्त्रीलिंग में भी ऐसा रूप हो जाएगा। पुलिंग में चित्रा चलेगा क्या? चित्रा चलेगा, चित्रा। अब ये चित्रा अब नहीं चलेगा, चित्र ही होगा, क्या हो जाएगा? लेकिन कब होगा? समानाधिकरण स्त्रीलिंगे उत्तर पदे, समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद कौन है मालूम है? गो, गो। कौन है? गो, गो। गो है कि नहीं? गो है, है? हाँ। चित्रा गो है ना बोलते हो, ये चित्कावरी क्या है? चित्रा शब्द का उत्तर पद कौन हो गया? गो, गो। समानाधिकरण है, समानाधिकरण कब होगा? विशेषण विशेष भाव, सुनते है कि है ना? इसलिए स्त्री ए चित्रा, जिस शब्द जिस अर्थ के लिए चित्रा बोल रहे हो उसी अर्थ के लिए गो कह रहे कि नहीं, हो गया। हाँ, ऐसा गो शब्द पर रहते, हाँ, यहाँ तक लग गया। न तो पुरण्याम प्रियादो, और सूत्र में कहता है अपूरणी प्रियादिशु, मतलब पूर्णवाचक शब्द न हो, हाँ, पूर्णवाचक प्रत्यय होता है, पुराण पुराण अर्थ में जो प्रत्यय होता है ऐसा प्रत्यांत शब्द न हो, और प्रियादि गणपति शब्द भी न हो। माता घूम जाता ना इतना कल समझाएंगे, चिंता न करो, एक दिन बाद समझाएंगे। ओम नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद।